नमस्कार मित्रों, आधुनिक भारत की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में यह जान चुके हैं कि जैसा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तथा उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई भी शासक नहीं होता है जो शासन को भली भांति संभाल सके तथा जितना औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था उसको जो है भली भांति संयोग कर उसको चला सके। तो दोस्तों, इसी क्रम में जो है मुगल साम्राज्य का पतन होता है तथा भारत में जो है वह नवीन राज्यों का उदय होता है। तो दोस्तों, आइए हम आज जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में कि भारत में जो नवीन राज्यों का उदय होता है तो उनमें कौन कौन से राज्य होते हैं। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे बंगाल प्रांत के बारे में। तो दोस्तों, वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, इन सबको मिलाकर जो है वह बंगाल प्रांत हुआ करता था। तथा दोस्तों, 1700 में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का जो है वह सूबेदार नियुक्त किया था तथा कैपिटल उस समय जो थी वह ढाका थी बंगाल की। तथा दोस्तों, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो है मुर्शीद कुली खां खुद को जो है वह बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, जो कि 1713 में करता है। तथा यह जो है बंगाल का प्रथम नवाब बनता है, मतलब यह बंगाल का पहला नवाब बनता है तथा यह 1713 से 1727 तक नवाब बना रहता है। और इसने जो है नवाब बनने के बाद एक शहर की स्थापना की, जो कि मुर्शिदाबाद शहर की इसने स्थापना की। और इसने जो है अपनी राजधानी जो है वह ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट की। और दोस्तों, फिर इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी होता है शुजाउद्दीन, जो कि 1727 से 1739 तक शासक रहता है। लेकिन दोस्तों, यह अपने शासनकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जो कि हाइलाइटेड रहा हो। दोस्तों, हम बात करेंगे इसके बाद जो है सरफराज खां जो है शासक बनता है, जो कि 1739 से 1740 तक लगभग एक वर्ष के लिए ही शासक बन पाता है। तथा इसी के समय 1740 में बैटल ऑफ घेरिया यानी कि घेरिया का युद्ध होता है, जो कि अली वर्दी खां और सरफराज खान के बीच में होता है। तथा इसमें जो है अली वर्दी खां की विजय होती है तथा वह सरफराज खान को जो है वह हरा देता है। तथा दोस्तों, हम बात करेंगे अली वर्दी खां के बारे में, जो कि सरफराज खान को हराने के बाद शासक बनता है। तो दोस्तों, यह जो है 1740 से 1756 तक शासक बना रहता है तथा इसी के समय जो है बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। और बंगाल का स्वर्ग मतलब भारत का स्वर्ग बंगाल को इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जो है सबसे अमीर प्रांत हुआ करता था उस समय। तथा दोस्तों, यह जो प्रथम शासक हुआ जो अंग्रेज़ों की नीतियों को समझ गया था तथा यह जान गया था कि अंग्रेज़ जो हैं वह भारत में आए तो व्यापार के उद्देश्य से हैं, किंतु इनका उद्देश्य जो है वह बंगाल पर अधिकार करना है। इसी ने जो है अंग्रेज़ों को हनी बीन्स की तरह बताया था, मतलब मधुमक्खियों की तरह। इसने कहा था कि अंग्रेज़ों को आप जब तक संरक्षण देंगे, उनको पालेंगे, तब तक तो यह आपको बहुत सहद देंगे, लेकिन आपने जैसे ही इनको छेड़ा तो यह जो है आपको छोड़ेंगे नहीं। तथा दोस्तों, इसी ने जो है अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों को किलाबंदी करने से मना भी किया था, क्योंकि इसी के समय से अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो हैं वह किलाबंदी करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद दोस्तों, 1756 में सिराजुद्दौला जो है वह शासक बनता है और यह केवल एक वर्ष के लिए शासक बन पाता है। इसी के शासनकाल में दोस्तों अंग्रेज़ों ने जो है कलकत्ता की तथा फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी कर ली थी तथा इस पर जो है सिराजुद्दौला ने इन्हें किलाबंदी हटाने के लिए कहा था। किलाबंदी की बात करें दोस्तों, तो किलाबंदी से तात्पर्य यह है कि यह अपने जो किले हुआ करते थे, मतलब कोठी होती थी इनकी व्यापारिक, इसको यह बाहर से इसमें सुरक्षा मतलब सैनिक तैनात कर देते थे तथा बाहर के लोगों को अंदर आने की परमिशन नहीं होती थी और अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में बाहरी लोगों को कोई भी परमिशन नहीं होती थी जानने की। तो दोस्तों, इन्होंने जब किलाबंदी की तो सिराजुद्दौला ने इनसे किलाबंदी को हटाने के लिए कहा, जिस पर फ्रांसीसियों ने तो अपनी किलाबंदी हटा ली परंतु अंग्रेज़ों ने नहीं हटाई। तो इसीलिए सिराजुद्दौला जो है नाराज़ हो जाता है तथा यह आक्रमण कर देता है कासिम बाज़ार पर। तथा कासिम बाज़ार पर आक्रमण कर इसने फोर्ट विलियम किले पर अधिकार कर लिया तथा इसी के समय दोस्तों फिर 20 जून को जो है 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, मतलब काल कोठरी की घटना। तो इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो इस जो घटना की है, इस घटना को जो वर्णित किया है वह विलियम हॉलवेल ने किया है। तथा दोस्तों, ब्लैक होल ट्रेजेडी की हम बात करें तो इसमें जो है जो कि किला होता है फोर्ट विलियम का, उसमें एक कोठरी होती है, उसमें जो है घुटने तक पानी भरा होता है तथा उसमें कोई भी वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ नहीं होती हैं। इसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया तथा 2 दिन तक इसका दरवाज़ा जो है बंद रखा। तो इसमें जो है 123 जो अंग्रेज़ थे उनकी मृत्यु हो गई तथा 23 अंग्रेज़ इसमें जीवित बचे, उन्हीं में से एक थे विलियम हॉलवेल। इन्होंने ही इस घटना को विस्तृत लिखा है।
दोस्तों हम बात करेंगे 1757 में। इसी दौरान फिर अंग्रेज़ जो हैं मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हैं तथा इसे फर्स्ट गवर्नर बनाते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है। और इसी के बाद दोस्तों इसका बदला लेने के लिए ब्लैक होल ट्रेजिडी का जो रॉबर्ट क्लाइव जो है वह सिराजुद्दौला पर अटैक करता है तथा 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, मतलब प्लासी का युद्ध। यह जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है तथा दोस्तों इस युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है वह होता है मीर जाफर, तथा इसका जो एक और मंत्री होता है राय दुर्लभ। ये दोनों ही रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं तथा यह जो है सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण बनता है। तथा इसी युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान तथा मोहनलाल, ये दो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, मतलब एक प्रकार से सैनिक ही थे, जो मारे गए थे, योद्धा थे, तथा यह जो है इस युद्ध में मारे गए और सिराजुद्दौला की हार हुई और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता। तथा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने फिर इसके बाद मीर जाफर को अंगला नवाब बना दिया तथा मीर जाफर जो है वह 1757 से 1760 तक जो है वह शासक बना रहता है बंगाल का। तथा दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर मीर जाफर की, तो इसे जो है अंग्रेज़ों का खिदमतगार कहा जाता था। खिदमतगार की बात करें दोस्तों तो अंग्रेज़ों के ही मानने वाला, जो कि केवल नाम मात्र का शासक था, इससे जो अंग्रेज़ बोलते थे यह वही करता था। तथा दोस्तों इसके बाद मीर कासिम को 1760 में शासक बनाते हैं, जो कि 1763 में रहता तक शासक बना रहता है। तथा इसी के समय दोस्तों 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, मतलब बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों हम बात करेंगे मीर कासिम की, तो यह भी जो है अंग्रेज़ों की नीतियों को जानता था तथा इसने जो है जो उस समय मुग़ल शासक था शाह आलम द्वितीय तथा अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, इनको जो है लेटर लिखा था कि अंग्रेज़ जो हैं वह धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तारित करते जा रहे हैं तथा इनको हमें रोकना होगा और साथ में मिलकर हम युद्ध करें तथा इनको हराएं। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, इन तीनों ने मिलकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया और यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, और अंग्रेज़ों की ओर से यहाँ पर हेक्टर मुनरो उनके सेनापति होते हैं। तो इस युद्ध की बात करें दोस्तों तो अंग्रेज़ जो हैं इतने पावरफुल हो जाते हैं कि यह जो है तीनों को मिलकर हरा देते हैं, मतलब ये जो तीनों की जो ट्रीटी हुई थी तथा तीनों मिलकर ये त्रिगुट था जो कि आक्रमण कर रहा था इन तीनों को, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला को, इन्होंने हरा दिया। तथा फिर से यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो इस संधि में दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव व शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के मध्य होती है। 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया था तथा दोस्तों यहाँ का जो लोकल रूलर, फिर यहाँ पर जो लोकल शासक है वह राय दुर्लभ को बना देते हैं। तथा इस 7 साल को भारत की लूट कहा जाता है दोस्तों। तथा 1767 में रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन बुलाकर उस पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है। और दोस्तों यह ऐसा इकलौता गवर्नर होता है जो कि आत्महत्या करता है, यह जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। तथा इसके बाद दोस्तों वारन हेस्टिंग्स जो है वह 1772 में आता है बंगाल का गवर्नर बन के। तथा जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में द्वैत शासन लगाया था उसका अंत किया इसने आकर, तथा 1772 में ही इसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद सृजन किया, मतलब इसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद को बनाया। तथा दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे दक्कन के निजाम के बारे में। तो जो दक्कन के निजाम थे तो उसमें जो है जैसे कि जब मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हुआ और औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद जैसे कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था और धीरे धीरे जितने भी सूबेदार थे वह जो हैं अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते जा रहे थे। इसी क्रम में दोस्तों दक्कन के निजाम जो कि चिनकलिच खां यानी कि निजाम उल मुल्क, इसने जो है अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तथा दोस्तों इसकी बात करें हम तो इसके पूर्वज जो हैं वह समरकंद के निवासी थे तथा इसके फादर का नाम था, पिता का नाम गाजी उद्दीन सिद्दीकी तथा फिरोज जंग प्रथम, इसी के फादर का नाम था। दोस्तों हम बात करेंगे फरुख सियर की, जो कि मुग़ल शासक होता है 1713 से 1719 तक। इसने ही निजाम उल मुल्क को जो है दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी। तथा दोस्तों इसी ने, फारूक सियर ने ही चिनकलिच खां को यानी कि निजाम उल मुल्क को उपाधि दी थी, किसकी, खाने खाना की, तथा बहादुर फतेह जंगे की उपाधि दी थी। तथा बाद में इसे ही मालवा का भी सूबेदार बनाया था। दोस्तों 1720 में इसने जो है सैयद बंधुओं की हत्या करवाई तथा 1720 में इसने मोहम्मद शाह ने अपना वजीर बनाया इसे, यानी कि फारूक सियर की तो डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला जो कि शासक बनता है मुग़ल शासक, इसने जो है अपना वजीर बनाया था इसे चिंकलिच खां को। तथा 1720 में दोस्तों सूरखेड़ा का युद्ध होता है जो कि निजाम उल मुल्क तथा मुबारिज खां के बीच में होता है। और इसके बाद 1724 में स्वतंत्र
हैदराबाद का गठन होता है तथा यहाँ की राजधानी भी जो है हैदराबाद ही बनाई जाती है। दोस्तों हम इस युद्ध की बात करेंगे, सूरखेड़ा का युद्ध, तो इसमें जो है निजामुल मुल्क की ही जीत होती है। दोस्तों हम बात करेंगे 1729 में होता है पालखेड़ा का युद्ध, इसमें जो है निजामुल मुल्क बाजीराव प्रथम से जो है युद्ध करता है तथा इसमें निजामुल मुल्क की हार होती है। तथा दोस्तों इसी के बाद जो है निजामुल मुल्क मराठाओं को सरदेशमुखी यानी कि चौथ और सरदेशमुखी जो कि मराठाओं के टैक्स होते हैं वह देने लगता है। दोस्तों 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है तथा इसके दो पुत्र होते हैं नसीर जंग तथा मुजफ्फर जंग, इनके बीच जो है उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है और इसी का फ़ायदा जो है अंग्रेज़ उठाते हैं और अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया तथा 1798 में जो है निजाम अली ने लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया तथा इसी के बाद जो है अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ता जाता है। तथा दोस्तों इस सीरीज को हम जारी रखेंगे तथा अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी जो मतलब मुग़ल साम्राज्य के बाद और भी नवीन राज्यों का जो उदय हुआ वह हम जारी रखेंगे। तो आगे हम बात करेंगे सिख तथा राजपूतों के बारे में और भी जितने भी अवध वगैरह प्रांतों का जो उदय हुआ उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें तथा दोस्तों मैं यह दावा कर सकता हूँ कि आपको इससे अच्छा कंटेंट कहीं पर नहीं मिलेगा। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इससे बाहर नहीं आने वाला है, एग्ज़ाम में आपका काफ़ी टॉपिक जो है वह कवर हो जाएगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि 100% इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपका 70-80% तो कवर हो ही जाएगा। और साथ में आप इसको एक से दो बार देखें, अगर आपको समझ में ना आए तो आप फिर से देखें और आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही बने रहें तथा अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक करें तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।